वैसे चारों हम कर लिए, चारों बटन दबा दिए, इसका मॉक पोल कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम तीनों में करेंगे, तीनों मशीन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप बताइए, सबसे पहले हमको क्या करना है, नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। 18 दिसंबर से बिहार में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। पहला मतगणना 18 दिसंबर को है और दूसरा 28 दिसंबर को है। इसी को लेकर तमाम जिलों में अब कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ईवीएम चलाने से लेकर किस तरीके से रिपोर्टिंग करना है और तमाम तरह की जानकारियां अब कर्मियों को दी जा रही है और प्रशिक्षण शुरू किया जा चुका है। इसी के तहत आपको बता दें कि जहानाबाद में भी जिला प्रशासन की ओर से निकाय चुनाव को लेकर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और तमाम जो ऐसे कर्मी हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी को लेकर जहानाबाद शहर के राज्य संतोषी इंटर विद्यालय में चुनाव से जुड़े कर्मियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया जा चुका है। प्रशिक्षण में ईवीएम चलाने से लेकर ऐप के इस्तेमाल, समय पर रिपोर्टिंग करने के बारे में अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान वोटिंग के बाद ईवीएम के सील करने व सुरक्षित ले जाने के बारे में जानकारी दी गई। वहीं प्रशिक्षण को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। गौरतलब है कि जहानाबाद में पहले चरण में 18 दिसंबर को मतदान होना है। निकाय चुनाव के तहत इस बार 2 अतिरिक्त नगर पंचायत बनाए गए हैं, जिसके जिले के नगर परिषद क्षेत्र जहानाबाद, नगर पंचायत मखदुमपुर, काको और घोसी में मतदान कराए जाएंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के एकल पद के अलावा 88 वार्ड में चुनाव होंगे। इसे लेकर 197 बूथों पर 88 वार्डों का चुनाव होगा। वोटों की गिनती 20 दिसंबर को होगी। बताते चले कि चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान पदाधिकारियों, माइक्रो ऑब्जर्वर, गश्ती दल दंडाधिकारियों, वीडियोग्राफर एवं कैमरा पर्सन को निर्वाचित प्रक्रिया के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी गई है। इसको लेकर ट्रेनर का क्या कुछ कहना है वो आप सुने। बिहार नगर पालिका आम चुनाव 2022 है, उसी का ही प्रशिक्षण हो रहा है। टोटल कंबाइंड पिंक बूथ के लिए है, प्रिजाइडिंग P1, P2, P3, P3A, B, C, इस तरह का है। सबका कार्य दायित्व चूंकि अलग अलग प्रकार का है, इसलिए सबको बताया जा रहा है। अच्छा, तो इसे प्रशिक्षण एक दिवसीय है या पहले से चल रहा है? इसके पहले चूंकि न्यायपालिका के हस्तक्षेप के चलते डेट आगे बढ़ाई गई है, इसके पहले इनका प्रशिक्षण हो चुका था, लेकिन फिर जो है डेट आई है तो फिर प्रशिक्षण हो रहा है। तो आपने ट्रेनर को सुना जिन्होंने कहा कि पहले चरण के लिए जब पहले निकाय चुनाव की वोटिंग होनी थी उस समय प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन जब दोबारा इसका समय तिथि तय की गई है उसी को लेकर अब दोबारा इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि चुनाव में किसी तरह की समस्या ना आए। आपको बता दें कि इसको लेकर माइक्रो ऑब्जर्वर मजिस्ट्रेट को ईवीएम और उसे ऑपरेट करने की पूरी जानकारी सूक्ष्म तरीके से दी गई है। ईवीएम को ऑपरेट करने के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने के बारे में उन्हें बताया गया है। इसे P1, P2, P3 सहित अन्य मतदान कर्मी शामिल। आपको बता दें कि लगातार बिहार में नगर निकाय चुनाव में जो कर्मी शामिल होंगे उनको प्रशिक्षण देने की जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारी कर ली गई है। इसके तहत बिहार के तमाम जिलों में इसको लेकर कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।